प्रतीक यस जस्ट सर्च सर्वांना नमस्कार. सीपीआर पुणे आणि एमपीए नाशिक तर्फे आजच्या वेबिनार मध्ये हजर असलेले सर्व अधिकारी आणि अंमलदार मी यांचे स्वागत करते. आपला आजचा आपल्या वेबिनारचा विषय आहे, मी सर्वांना दिसतंय का चॅट बॉक्स मध्ये मला थोडं कमेंट करून सांगते. ओके, मी सर्वांना दिसतंय का चॅट बॉक्स मध्ये मला प्लीज सांगा. आपला आजचा विषय महाराष्ट्र प्राण्यांवर क्रूरपणा प्रतिबंधक अधिनियम 1960. आपल्या आजच्या व्यक्त्या आहेत विनीता टंडन मॅडम. मॅडम ॲनिमल वेलफेअर ऑफिसर, एक्स सर्व्हिस ॲनिमल वेलफेअर ऑफिसर आहेत. मॅनेजिंग हेड आहेत पीपल फॉर ॲनिमल पुणे डिस्ट्रिक्ट, आणि याची हेड ब्रांच आहे अशोकनगर नवी मुंबई. मी ऑलरेडी आपल्याला थोडं डिले झालेला आहे, मी जास्त वेळ न करता मॅडमला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी आजचा वेबिनार सुरू करावे. थँक्यू. नमस्ते, मैं विनीता टंडन हूँ. जैसे मैं पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ थी, अभी पीपल फॉर एनिमल्स ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हेड ऑफिस उसका अशोका रोड नई दिल्ली में है, और मिसेस मेनका गांधी उनके नेशनल चेयरपर्सन है. मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ ये स्टेट पुलिस का और सीपीआर का जिन्होंने ये वेबिनार का आयोजन किया है, और इस मंच से जो मैं जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ. मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल वेलफेयर एक्टिविटी ज्यादातर बड़े शहरों में होती आई है अभी तक, लेकिन ये इसका जो प्रचार है और अवेयरनेस है ये रूरल एरियाज में भी बहुत फैल रहा है. इसमें हमारे जो एडवोकेट ऊपर जीरो आ रहा है अभी, नहीं नहीं वो आगे ऑन रोड. तो हमारे एडवोकेट पीपल फॉर एनिमल्स के पुणे डिस्ट्रिक्ट के आपको लीगल इंटरप्रिटेशंस बताएंगे थोड़ा, एंड उसके बाद ये सेशन मैं प्रिवेंशन टू क्रूरिटी टू एक्ट का शुरू करूंगी. मेनली उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इसके अंदर पुलिस के एनसी या एफआईआर या फिर पंचनामा कैसे फाइल करने हैं, और किस किस का कॉग्निजेंस लेना है, कौन कौन से नॉन कॉग्निजेंस रिपोर्ट है. प्रतीक जी आइए. नमस्कार, माझं नाव ऍडव्होकेट प्रतीक गावडे. मी पीपल फॉर ॲनिमल्स पुणे डिस्ट्रिक्ट याचा कायदेशीर सल्लागार आहे. पीपल फॉर ॲनिमल्स ही संघटना श्रीमती मेनका गांधी मॅडम यांनी स्थापन केलेली आहे. पीएफई ही संघटना पशु कल्याण व जीव जंतू संवर्धन यासाठी कार्यरत आहे
वयाच कार्याचं कार्याशी निगडित विषय म्हणून जनजागृती हा आजचा वेबिनारचा विषय आहे. अॅनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाशी पीएफए हे सर्टिफाईड आहे व पीएफएचे पूर्ण संपूर्ण भारतभर 26 हॉस्पिटल असून 165 युनिट्स आहे व 2.5 लाख मेंबर्स आहेत. जनजागृतीसाठी पीएफए पुणे याच्या मॅनेजिंग हेड विनीता टंडन मॅडम यांनी संकलन हे पुस्तक प्रकाशित केलेले आहे. याची लिंक या पुस्तकाची लिंक या वेबिनार नंतर सर्क्युलेट केली जाईल. या पुस्तकाचा उद्देश म्हणजे प्राण्यांवरील होणारी क्रूरता याचे कायदे हे विखुरलेले होते ते कायदे एकत्रित करून त्या कायद्यांचा मराठी अनुवाद करून हे पुस्तक प्रसिद्ध केलेले आहे. संकलन या पुस्तकामध्ये काय काय आहे याचा एक संक्षेप मी आपल्याला देऊ इच्छितो. यामध्ये प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स ऍक्ट हा जो कायदा आहे, प्राणी मात्र संवर्धन व संरक्षण या त्याचप्रमाणे प्राण्यांचे क्रूरतेपासून संरक्षण व्हावे या दृष्टिकोनातून भारत सरकारने अंमलात आणलेला आहे हा कायदा, त्याचे मराठीमध्ये अनुवाद या पुस्तकात दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे या पुस्तकात गृहनिर्माण संस्था याचे म्हणजेच हाऊसिंग सोसायटीचे काय नोटिफिकेशन आहेत, हाऊसिंग सोसायटीज या काय नियमावली करू शकतात काय करू शकत नाही याचे नियम अपडेटेड व लेटेस्ट मराठीत अनुवाद या पुस्तकात दिलेला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या सर्क्युलर्स GR इत्यादी याचेही या पुस्तकात समावेश केलेला आहे. तसेच आपल्या तपासाच्या अनुषंगाने यातील सॅम्पल FIR NC याचीही कॉपी नमुना म्हणून यामध्ये जोडण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर या पुस्तकात प्रीफेस म्हणून संपूर्ण पुस्तकाचं लीगल इंटरप्रिटेशन म्हणजेच महत्वाच्या कायद्यातली तरतुदी, कुठले ऑफेन्सेस हे कॉग्निजेबल आहेत, कुठल्या ऑफेन्सेस कुठल्या प्रोव्हिजन्स प्रमाणे आपल्याला यामध्ये राईट्स मिळत आहे, या संदर्भात पोलिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये काय काय तरतुदी दिलेल्या आहेत, काय पॉवर्स दिलेल्या आहेत, हे सर्व या लीगल इंटरप्रिटेशन मध्ये दिलेलं आहे. मला आशा आहे की हे पुस्तक इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये नक्कीच आपली काही मदत करू शकेल आणि ह्या पुस्तक जर आपल्याला हवं असल्यास आपण कृपया चॅटबॉक्स मध्ये कळवावे, हे पुस्तक आपल्याला सर्वांना पुरवण्यात येईल. व मी विनीता मॅडमला इथे परत बोलू इच्छितो व पुढचं वेबिनार त्या कंटिन्यू करतील. धन्यवाद. ये जो प्रिवेंशन टू क्रूल्टी टू एक्ट है, हाँ, ये जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर इंग्लिश और मराठी दोनों में लिखा है. सेशन जो है वो हिंदी में होगा और मैं स्लाइड ये पहला उसका कवर पेज है. इट्स द नेक्स्ट स्लाइड. ये जो सेशन है पूरा ये 5 भागों में मैंने डिवाइड किया है. सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उनका क्या उसके अंदर रोल रहता है. उसके बाद प्रिवेंशन टू क्रूल्टी टू एक्ट का 41 पॉइंट्स हम डिस्क्राइब करेंगे थोड़े पार्ट्स में. और तीसरा जो हाउसिंग सोसाइटी लॉज और वहां पर जो सड़क के या फिर पालतू कुत्ते या दूसरे जानवर उसके इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जो हमारे पुलिस कर्मचारी इधर लॉग इन हुए हैं थोड़े बड़े सिटी से, वहां पर जो हाउसिंग सोसाइटी के इश्यूज हैं वो ऑलमोस्ट डेली उनके कंप्लेंट आते हैं. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या उसमें लीगल है और क्या क्या इलीगल है. उसके बाद यूनिट 4 में कुछ गवर्नमेंट के GR है, सर्कुलर है और कोर्ट ऑर्डर है. जो किताब है उसके अंदर मेरे ही जो कोर्ट केसेस हैं और NC और FIR की कॉपीज सैंपल हैं, सीजर पंचनामा वगैरह. अगर ये बुक काफी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है मुंबई में, पुणे में PCMC में, हर पुलिस स्टेशन चौकी में है, पुणे सिटी में है, रूरल में जा रही है, वारधा के SP सर और उनके जो पुलिस स्टेशन को गई है, यवतमाल में गई है.
तो अगर आप चाहते हैं आप मैसेज विंडो पे नंबर लिख दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, उसकी फ्री कॉपी आपको भेज दी जाएगी। और लास्ट में ये रूल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो पीसी एक्ट सेक्शन 38 के अंडर बने हैं। ये मैं शुरू करती हूँ। एक आपको थोड़ा इसके अंदर मोटा मोटा बता दूं कि पीसी एक्ट के अंडर जो गुनाह दाखिल करना है वो सिर्फ सेक्शन 3, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 38, ये 1 से लेके 41 सेक्शन है, उसमें से सिर्फ ये 4 के गुनाह दाखिल हो सकते हैं इनके अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एक ये मैं आपको पीसी एक्ट के बारे में बता रही हूँ, प्रिवेंशन टू क्रूल्टी टू एक्ट। एक दूसरा रहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हमारा कंसर्न उसके साथ नहीं है और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंडर आता है। ये जो उसके अंदर जंगली जानवर आते हैं जैसे हाथी है या सांप है, बंदर है, वो वाले एनिमल्स WPA में जाएंगे, और जो पीसीए है उसमें घरेलू जानवर या फिर जो ये डुक्कड़ रहते हैं या गाय है, भैंस है, कुत्ता है, या फिर जितने भी पालतू जानवर हैं, तो ये सब मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो पशु संवर्धन, जो मुख्य कार्यालय का सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में है, उसके अंडर एक कमेटी काम करती है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके साथ मैं एनिमल वेलफेयर ऑफिसर थी। वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वो एक सेंट्रल बॉडी है, उसके अंदर हर प्रदेश के स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, महाराष्ट्र में भी है, हेड ऑफिस मुंबई में है, कम से कम 25 उसके मेंबर्स हैं, जिसमें आधे गवर्नमेंट के मेंबर हैं, आधे नॉन गवर्नमेंट के मेंबर हैं। इसका हेड ऑफिस जो है वो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का पुणे में है, मुंबई में नहीं है। अभी ये जो एक लास्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है, एक अजय मराठे एक्टिविस्ट ने इधर हाई कोर्ट में, तो सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन टू क्रूल्टी टू एनिमल्स, ये डिस्ट्रिक्ट SVCA है, ये महाराष्ट्र के हर जिले में 2018 और 2019 में जो इसके जितने जिला है वहां पर ये स्थापित की गई है एज पर दी हाई कोर्ट ऑर्डर। तो जब भी आपको ये सेशन होने दीजिए, आप बुक के लिए लिखिए, CPR आपको लिंक भी शेयर करेगा सॉफ्ट कॉपी का, 300 पेज किताब की बुक है, ये सिर्फ पहली बुक है जो आपको पीसी एक्ट मराठी में अवेलेबल रहेगी। तो जब भी कुछ इशू है, फिर भी उसके बाद कुछ आता है, आप अपने जिला के, जो जिला के अंदर रूरल पुलिस है या फिर सिटी पुलिस है, आप अपने पशु संवर्धन कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो हेड करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिसको SPCA बोला गया है, डिस्ट्रिक्ट SPCA। एक ये बहुत कंफ्यूजन रहती है पुलिस स्टेशन और चौकी में कि किसके कंप्लेंट लेने हैं और किसके नहीं लेने, और कुछ जो सरकार है उन्होंने कुछ NGOs को या कुछ AWO को क्या क्या अधिकार दिए हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस बताती हूँ कि एक NGO क्या होता है और एक AWO क्या होता है। हाँ, तो NGO वो होता है जो चैरिटीज कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड रहता है, उनका रजिस्टर इतना है कि वो पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, या पुलिस को कंप्लेंट दे या फिर डिस्ट्रिक्ट SPCA को, लेकिन एंटायर पीसी एक्ट वो पुलिस के अंडर ही आता है, तो ये NGO उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। काफी काफी ज्यादा इसके अंदर वायलेशंस हैं, बहुत उल्लंघन करते हैं काफी NGO, खुद से जानवर सीज करके ले जाते हैं, पुलिस से NC दाखिल करवा लेते हैं, या फिर खुद जानवर ले गए और कहाँ रखना है उसके रूल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो खुद ही जानवर ले जाके खुद ही कहीं रख लेते हैं, उसके आगे का प्रोसीजर ही नहीं करते। ये बात आप ध्यान में रखिए, आप NGO से कंप्लेंट ले सकते हैं और जो दूसरा एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उससे कंप्लेंट ले सकते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल से कंप्लेंट ले सकते हैं, कोई भी भारतीय रेजिडेंट या बाहर का आपके पुलिस स्टेशन में आता है, कोई भी प्राणी का क्रूरता का या कोई भी एक्ट का उल्लंघन का कंप्लेंट लेता है उसको लेना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संस्था की कंप्लेंट आप लेंगे, तो इतना याद रखिए NGOs को कोई पावर्स नहीं दिए हैं गवर्नमेंट ने, और कुछ NGOs ऐसे हैं जिसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, उसका सर्टिफिकेट देखिए,
उसको AWO कहते हैं, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होगा। तो आप मांगिए कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, क्योंकि AWO को सीजिंग के हक नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ उनको जैसे हाउसिंग सोसाइटी के या फिर जैसे स्लॉटर हाउस के वहां के इंस्पेक्शन के कुछ राइट्स दिए हैं, जो आगे आपको पता चलेगा। अभी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51G है, उसमें हर सिटीजन की ये ड्यूटी बोली गई है कि आप अपनी, आपको हक है कि आप प्रोटेक्ट करें, और आप जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में है, चाहे वो जंगल है, चाहे लेक है, चाहे नदी है, उसमें कुछ आपको दिखता है तो आपका हक है कि आप उसको करेक्ट करें और आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दें। तो इसमें भेदभाव मत रखिए, पुलिस चौकी या स्टेशन में एक इंडिविजुअल कंप्लेंट दे सकते हैं, उनको संस्था का होने का जरूरी नहीं है। इसके अंदर एक ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो पूरे वर्ल्ड की बॉडी है जिसमें इंडिया मेंबर है। उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि 5 फ्रीडम्स हैं एनिमल के, कि वो अपना भूखा प्यासा, डर और कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट, कोई पेन, कोई दर्द, कोई नॉर्मल बिहेवियर उसको अधिकार है, लेकिन एनिमल जो जानवर है वो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकता। इसीलिए एनिमल के, जानवर के ये 5 फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने का राइट इंडिविजुअल को दिया गया है, तो उनकी कंप्लेंट लीजिए। ऐसा देखा गया है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि पुलिस यूजुअली कभी कभी मांगती है कि आप अपना कार्ड दिखाइए, आप संस्था से हो क्या, या उसको प्रेफरेंस देती है। जो इंडिविजुअल किसी के पास कार्ड नहीं है वो भी जा सकता है। ये एक हम शुरू कर रहे हैं 0.1 से, PC एक्ट का 41 पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा कम में इसको समझाती हूँ। कभी भी पुलिस स्टेशन में, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि 2 लोग आ गए या 4 लोग आ गए या 2 फैमिलीज आ गई और बोलते हैं ये कुत्ता मेरा था, ये गाय मेरी थी, वो ले गया, मैंने इसको संभालने के लिए दिया था लेकिन ये वापस नहीं कर रहा। तो ये जो झगड़ा है उसमें ओनर का डेफिनेशन है, जानवर कोई भी जानवर हो, हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग PC एक्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी घरेलू जानवर या कोई और जानवर है, उसका मालिक वो ही है जिसकी पोजेशन में ऑन दैट डेट वो जानवर है। ओके, उसके पहले चाहे ओनर ने उसको लिखित में लिख कर दिया हो कि मैं तुम्हें ये संभालने के लिए दे रहा हूं, स्टिल उसको वापस नहीं देना है। ये मैटर सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ये मैटर ना तो पशु संवर्धन कार्यालय डिसाइड करेगा ना ये पुलिस डिसाइड करेगा। इसके लिए सेक्शन 29 में कोर्ट को क्या क्या पावर्स हैं वो हैं, लेकिन हाँ, इसके अंदर अगर कुछ जो प्रेजेंट ओनर है जिसके पास अभी जानवर है और उसके ऊपर कुछ क्रूरता का शक है या एविडेंस है, तो आप उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि जानवर किसको देना है, ये पुलिस का उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा एक, ये जो मैंने बताया था शुरुआत में कि सेक्शन 3, 11, 12 और 38, इन चारों के अंदर गुनाह दाखिल होते हैं। तो सेक्शन 3 एक बड़ा जर्नल सा सेक्शन है कि हर आदमी की ड्यूटी है ये कि आप इसको अपने जो भी कुत्ता आपके पास है या जानवर आपके पास है आप उसका ख्याल रखें, उसका भूख पानी ये वो उसका दें। तो अगर उसके ऊपर कुछ भी कोई एविडेंस लेके या कोई शिकायत आती है तो उसमें आप सेक्शन 11 को रेफर करिए और सेक्शन 429 या 428 को। 428 और 429 IPC का सेक्शन जो है वो सिर्फ जानवर को मारने का नहीं है, उसमें अगर उसका कोई बॉडी का अंग काम नहीं कर रहा, अगर उसको इतना पीटा गया है कि वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया या अंधा हो गया, तो ऐसे म्यूटिलेशन के भी FIR होती है। 428 और 429 बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल है। तो ये सेक्शन किलिंग ऑफ एन एनिमल और उसके म्यूटिलेशन के लिए उसको यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर FIR। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप अगली स्क्रीन पे देखेंगे। ये पहला वाला इंग्लिश में है, मैं आपको दूसरा मराठी में दिखाती हूँ ताकि आप पढ़ लें साथ साथ। हाँ ये है। तो उसमें क्या करना है आपको, जब भी सेक्शन 3, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या 428 या 29 उसके आते हैं, चाहे वो जिंदा जानवर है चाहे वो मरा हुआ है, उसका पंचनामा करना है। ओके,
उसका पंचनामा होने के बाद अगर ये वो डेड अगर वो मर गया है तो वो वेटनरी के वहां पे उनका पोस्टमार्टम होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो वेटनरी पशु संवर्धन कार्यालय है उनको फोन करिए, वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा। और अगर वो जीवित है पशु तो उसका हेल्थ इंस्पेक्शन होगा। उसके अंदर भी दो आते हैं, दो केसेस में आप एनिमल सीज कर सकते हो, या तो उसको वेटनरी एग्जामिनेशन के लिए लेके जाइए या फिर उसका सीज करके उनको कहाँ देना है वो बाद में बताऊंगी। उसके अंदर कुछ अगर आपको वेपन मिलता है या गाड़ी मिलती है या केज है ऐसा कुछ है तो आप उसको जब्त कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है, पंचनामा करेंगे, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट वेटनरी उसको है अगर मर गया है तो वहां पर आप पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अगर वो जीवित है उसके केयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर्टी रूल्स हैं, वो सीजिंग का प्रोसीजर मैं अगले बार बताऊंगी। ये सेक्शन 11 है। अभी जब तक थोड़े सालों पहले जब तक ज्यादा जागरूकता नहीं थी इसके बारे में कि अभी किसी भी जानवर को डंडे से मारना या पत्थर से मारना वो इतना कॉमन हो गया है कि वो गुनाह लगता ही नहीं है, लेकिन वो है। उसमें मेरे खुद के कोर्ट केसेस हैं, उसमें कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है ओके, कि आपने जानवर को केज में क्यों रखा, आपने जानवर को सीढ़ियों के नीचे एक घर बना के क्यों रखा, आपने जानवर को इतनी देर तक चेन से क्यों बांधा, आपने उसको खाना नहीं दिया दो दिन, उसका पानी नहीं था या वो अपने ही संडास वगैरह में वो पड़ा रहा। तो ये सब क्रूरिटी के अंडर आते हैं। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको, अगर आप सीजर पंचनामा करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट मत दाखिल कीजिए। आप पुलिसकर्मी है, ये तो मालूम ही होगा सबको कि एनसीआर जब होता है तो वो मैटर कोर्ट में जाता है। तो एक बार एनसीआर फाइल हो गया तो उसके बाद सीजिंग कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती। तो जब अगर कोई जानवर सीज करना है तो आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या तो बाद में दाखिल करिए उसके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए, या फिर उसको मत दाखिल करिए। अभी ये जो सेक्शन 11 है इसका 11 का, उसके अंदर कोई जानवर को मारता है या ओवरलोडिंग करता है, जैसे गड्ढे चल रहे होते हैं, बैलगाड़ी है, उसके भी 400 किलो से 2000 किलो तक कौन सी गाड़ी है, कौन सा जानवर खींच रहा है, उसके भी अलग लॉज हैं, बाद में बताऊंगी। ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे हैं, कोई अपना जानवर छोड़ नहीं सकता रोड के ऊपर, उसको आप पिंजरे में नहीं रख सकते ज्यादा देर तक, उसके अंदर घंटे नहीं दिए गए, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि 8-10 घंटे आप केज में रख सकते हो पिंजरे में, बाकी टाइम नहीं, उसको ज्यादा देर तक बांध के मत रखिए, उसको खुला छोड़िए। तो इसके ऊपर आप सीजिंग अगर नहीं भी करना तो कुछ समझ पत्र टाइप का आप दे सकते हैं, जैसा वार्निंग हो गया पहला, ताकि वो दोबारा अगर ऑफेंस हो तो उसके बाद कार्यवाही करिए। ये बताया गया, ये आई थिंक कोर्ट का मैटर है ज्यादा, कि सेक्शन 11 के अंदर अगर कोई गुनाह दाखिल होता है तो अगर अगर कोई संस्था दाखिल करती है या कोर्ट में जाना चाहती है तो उसमें वैसे तो इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन है 2 महीना से लेके 3 महीने तक है, लेकिन उसके अंदर फाइन भी लगता है। तो ये आप जब वार्निंग देंगे या आप समझाएंगे एक्यूज्ड को या जो उसका मालिक है जानवर का, उसे ये बताइए कि इसमें जेल भी हो सकती है लेकिन उसके अंदर फाइन का ऑप्शन रहता है, जो फाइन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, ये 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक है। ये आपको मैं कॉग्निजेबल सेक्शन बताती हूँ। सेक्शन 11 के अंडर LNO, ये तीन जो है वो कॉग्निजेबल हैं, जैसा वो म्यूटिलेट और किलिंग का बताया। एक कॉग्निजेबल सेक्शन और है कि लड़ाई करवाते हैं, जैसे किसी बड़े जानवर की या छोटे जानवर की, वो बैंड है, वो कॉग्निजेबल में आता है। या फिर कोई अगर आप मैच, जैसे रूरल एरिया में बहुत रेसिस होती हैं, या मुर्गे की लड़ाई है या फिर मतलब बैलों की लड़ाई है, अगर वो होता है तो उसके अंदर आपको कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करनी है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका एक ये स्पेशल सेक्शन है गाय और बकरी के लिए, ये सेक्शन 12 है। उसके अंदर एक अगर कोई डेयरी का कंप्लेंट आता है आपका
जिसके इंसान के पास 5 से ज्यादा दूध देने वाला जानवर है और उसका दूध बेच रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर 5 से ज्यादा जानवर है और रजिस्ट्रेशन नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो वो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। एक ये कॉग्निजेबल ये है कि ऑक्सीटोसिन एक उनका दूध का मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन बैंड है, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप एक कॉग्निजेबल FIR करिए और जो वो सीज करिए, और उसके पूरे एनिमल भी सीज होते हैं। ये जब जब मैं बोलती हूँ कि एनिमल सीज होते हैं, उसका प्रोसेस आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि एनिमल एक बार पुलिस ने सीज कर लिया, ये हक सिर्फ पुलिस का है, ये हक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं दिया, ये NGO को हक नहीं है। सीजिंग सिर्फ पुलिस करेगी, उसका सीजिंग के बाद का प्रोसीजर लास्ट में बताऊंगी। सेक्शन 12 जो कॉग्निजेबल है, आप इसको मराठी में पढ़ लीजिए थोड़ा। वैसे अगर ये आपके साथ एक इसका सॉफ्ट कॉपी का लिंक CPR देगा, तो आप उसको या तो सॉफ्ट कॉपी रखिए या प्रिंट करा लीजिए, या फिर बुक के लिए हमें लिखिए, हम भेजेंगे महाराष्ट्र में कहीं भी। एक ये जो सेक्शन 11 के अंडर क्या क्या अपेक्षा दी गई है, जो जो जैसे नाक के अंदर रस्सी डालते हैं, वो उसमें आप क्रूरती का वो नहीं करिए, क्योंकि वो अलाउड है। और जैसे अगर जो सड़क के कुत्ते हैं, उसका अगर किसी वेटनरी डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि वो इतना बीमार हो चुका है कि जानवर को तकलीफ हो रही है, तो उसको वेटनरी डॉक्टर उसको जो यूथनीशिया कहते हैं हम इंजेक्शन से उसको मारना, वो उस पे आप गुना दाखिल नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान वैसे मारता है लकड़ी वगैरह से, तो उस पे होता है। और कोई भी लॉ है जिसमें वो है, या फिर जो एनिमल के जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब में, जो सरकार ने उसका परमिशन दिया है, और या जो वो एनिमल जो जानवर जिसको फूड के लिए यूज किया जाता है, जैसे चिकन है, बकरा है, या कुछ कुछ रैबिट है, फिश है, वो वाले जानवर उसके उसमें आप गुना दाखिल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में ही कर सकते हैं। सेक्शन 13 का ये है कि ये जब भी अगर एनिमल को यूथनाइज करना है, तो उसकी जो परमिशन है वो या तो कोर्ट देगा, या फिर जो वेटनरी डिपार्टमेंट है वो देगा, या फिर आप कमिश्नर ऑफ पुलिस या रूरल पुलिस में SP वो दे सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, कुछ ऐसा केस भी आया था पूना में कि उन्होंने कुछ किसी हाउसिंग सोसाइटी में ही कुछ एक रूम में एक फ्लैट में मुर्गे लेके या डक्स लेके उनपे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो चाहे तो एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड है, लेकिन उसकी एक कमेटी है जिसको CPC-SEA बोलते हैं, जो कमेटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन, उसके साथ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो वो आप उस पर कार्यवाही करिए। इसका मतलब वो इलीगल चला रहा है उसको। ये जो परफॉर्मिंग एनिमल है, इसके रूल हम बाद में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ये जो रिलीजियस किलिंग है, उसके अंदर 428 और 429 का गुना दाखिल नहीं होता। जैसे कि जो बकरी ईद पे बकरे कटते हैं, उसका गुना दाखिल नहीं होगा अगर, लेकिन उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है और AWBI का ये भी मानने हैं कि वो जो बकरी है या जो भी आप उसकी टेम्पल में किसी मंदिर में बलि नहीं दे सकते, वो उसके ऊपर आप 428 और 429 का गुना दाखिल करिए। अगर वो बड़ा जानवर है तो 429, अगर छोटा है गोट है तो 428, मंदिर में बलि के ऊपर 428 का लगता है। कोई हाउसिंग सोसाइटी में किसी घर में आप बकरा नहीं काट सकते, ये आपको सिर्फ बकरी ईद पे स्लॉटर हाउस पे लेके जाना है, जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के स्लॉटर हाउसेज हैं, आप वहीं से ही कटाएंगे और वहां से उसके बाद जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करिए। ये रिसेंटली ही अगस्त में मुंबई हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया है, वो पहले भी था लेकिन किसी ने केस फाइल किया था कि ऐसे ऐसे बॉम्बे में मुंबई में कुछ ऐसा केस हुआ था जिन्होंने सोसाइटी में बकरी काटी थी, और ये एक पुणे में भी अभी मैं ये केस कर रही हूँ। ये सेक्शन 29 का जो ये बताया था मैंने, ये कॉमन कंप्लेंट के बारे में मैं ज्यादा ध्यान दूंगी। ये कॉमन कंप्लेंट है जो बताया था आपको मैंने, जो ओनर है पता नहीं चलता कि उसके पास मेरी गाय है, उसके पास मेरा कुत्ता, ये मैटर आप
सिर्फ कोर्ट में जाएगा और पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है कि उस दिन उस कंप्लेंट के टाइम जिसके पास जानवर है, जिसके घर में जानवर है उसके पास ही रहेगा। अगर किसी और पहले ओनर के पास अगर कोई क्रूरटी का वो है तो आप उसको सीज कर सकते हो, लेकिन सीज करने के बाद उसके ओनर को नहीं देना है, सीज करने के बाद वो सरकार को जाएगा। तो कोर्ट जो है वो इसमें ये प्रोसेस कोर्ट का दिया है कि जो ओनर है, अच्छा इसके अंदर एक केस हुआ था अभी पुणे में रिसेंटली कि किसी ने बोला था कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है कि आप, ये मैं सिर्फ पालतू कुत्ते की बात कर रही हूँ, जो आपके पालतू जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, रैबिट है, जो पालतू आप जो अलाउड है जो आप घर में रख सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है। अभी उसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ बड़े शहरों में, थोड़े थोड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वार्ड ऑफिस में, क्षेत्रीय कार्यालय में अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा नहीं है, रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई आपको बोले, कोई एनजीओ या ऐसा कुछ के पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नागपुर का इनका लाइसेंस नहीं है, इनके पास तो ये ओनर नहीं है, ये गलत है। वो जो वो लाइसेंस है या फिर वो रजिस्ट्रेशन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत के साथ, अगर वैसा प्रोविजन है तो वो इस बात को डिसाइड नहीं करेगा कि उस जानवर का मालिक कौन है। ये फिर भी उनको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, जिसके पास वो कुत्ते हैं, वो जानवर है, वो ही मालिक है। ये आप थोड़ा मराठी में यही लिखा हुआ है कोर्ट का क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूजुअली जब भी एनिमल की मौत होती है या सस्पेक्टेड किलिंग है पॉइजनिंग से या ऐसा कुछ, उसके अंदर अगर वो जानवर बकरी नहीं है या गाय नहीं है तो उसकी बॉडी, उसका पंचनामा जरूरी है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी होना अनिवार्य है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। लेकिन प्रिवेंशन टू क्रूरटी टू एक्ट में अगर आपको वो जानवर उधर नहीं भी दिखता, या बकरी या काऊ का सिर्फ थोड़ा सा स्किन का पार्ट है या उसके सिर का कोई पार्ट है जैसा कान है या सिर की कोई स्किन है, अगर उतना भी दिखता है तो उसके ऊपर आपको 428 और 429 का केस फाइल करना है। उसके गाय और बकरी के उसमें आपको पूरी बॉडी की जरूरत नहीं है और ना ही पोस्टमार्टम की जरूरत है, वो एक एविडेंस खुद में ही एक एविडेंस है, ये उसके अंदर प्रोविजन दिया गया है लॉ में। ये सेक्शन 31 आपको इसके अंदर ये बताया गया है कि सीआरपीसी और आईपीसी के सेक्शंस इसमें लगते हैं जब आप चार्जशीट दाखिल करते हैं या कोई गुनाह दाखिल करते हैं, उसमें ये 428 429 बताया है। फिर अगर कोई थ्रेटन करे, दो नेबर बहुत हाउसिंग सोसाइटी में बहुत झगड़े होते हैं, उसके अंदर 504 506 या किसी अगर लेडी का मामला है बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो 509 आईपीसी के अंडर आप नोटिस दे सकते हैं, लाइक समझ पत्र इशू कर सकते हैं, और जब सीजिंग होती है उसके अंदर 102 सीआरपीसी लगा सकते हैं, 73 बेयर एक्ट लगा सकते हैं। तो इसके जो जो रेलेवेंट सेक्शन हैं वो जो हम लोगों ने काफी यूज किए हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उसके लिए आप और भी सीआरपीसी और आईपीसी की बुक को रेफर कर सकते हो। ये पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, ये सेक्शन 32, 33, 34, 32, 33 और 35 ये सर्च और सीजर का है। पुलिस को हक है इस एक्ट के अंडर, कोई अपने जानवर को मार भी रहा है, छड़ी से भी मारा है, पुलिस उसको भी ले जा सकती है, या फिर कोई एक छोटे क्राइम से लेके बड़ा है, जो आगे मैं आपको 17 रूल बताऊंगी, उन रूल के अंडर अगर कुछ उल्लंघन होता है आप पुलिस उसको सीज कर सकती है, उसके लिए आप सीजर पंचनामा करेंगे। अगर आपको एविडेंस नहीं है और एक सर्च वारंट चाहिए तो वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही देंगे या फिर डीएसपी, उसमें आप वो पुलिस को ऑथराइज कर सकते हैं सर्च वारंट के लिए, अगर वारंट की जरूरत है, अगर उसके ऊपर कोई शक है या कंप्लेंट आई है तो उसके लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। पुलिस को हक है कि आप किसी के घर में या किसी की दुकान में या किसी के प्रीमाइसेस में या एनिमल मंडी में आप जाके सर्च करके अगर आपको उल्लंघन दिखता है या किसी एनजीओ ने आपको उसका एविडेंस रिकॉर्ड करके दिया है तो आप उस जानवर को लेके जाएं और सीजर पंचनामा करें और उसके बाद गुनाह दाखिल करें।
ये भी सीजिंग का ही सेक्शन है 34। ये केयर एंड मेंटेनेंस केस प्रॉपर्टी रूल जो आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि सीजिंग होने के बाद क्या प्रोसेस रहता है। एक इसके अंदर ये भी है, जब आप सीज करेंगे जानवर को, अगर उसके लिए कोई गाड़ी या एक कार्ट है या कार है या टेम्पो है ट्रक है, वो सीज उसको भी करना है आपको, उसकी उसका आप खटला भर सकते हैं। तो जब खटला भरने के बाद कोर्ट में वो इसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, ये इसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किताब के अंदर है। जब आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको देखेगा कि एक तो जानवर रिटर्न नहीं करना, और जो प्रॉपर्टी जैसे 451 या 457 सीआरपीसी के अंडर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, सीआरपीसी के क्या आईपीसी है 451 या तो आईपीसी है या सीआरपीसी है, सीआरपीसी है, तो उसके अंडर आप ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ये गलती मत करिए। एक बार एनिमल सीज हो गए, वो एनिमल चाहे उसका मालिक लिख कर दे कि मैं ये आगे से दोबारा नहीं करूंगा, वो जानवर वापस नहीं जाएगा, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई पिंजरा है, कोई चाकू है, या कोई छड़ी है, या गाड़ी है जिसका खटला भी हो गया, तो वो कोर्ट में जाके पैसा भर के उसको वापस नहीं ले सकता। वो जब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको वापस देना है या नहीं देना। तो जानवर रिटर्न नहीं होंगे किसी भी हालत में, इसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। सेक्शन 36 जो है वो इसमें जब आपको कंप्लेंट आता है उसका आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसको आपको कंप्लीट करना है, जो उसका प्रोसिक्यूशन है या जो भी उसके ऊपर एक्शन लेना है उसके अंदर 3 महीने का लिमिट है। पुलिस को निर्देश है कि आप इसको थोड़ा 1-2 महीने में करिए, क्योंकि काफी केसेस इसके कोर्ट में जाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा कोर्ट का प्रोसीजर बता देती हूँ कि जब भी जानवर सीज हुआ है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, जब भी आप जानवर सीज करें अगले दिन एक सिंपल कस्टडी लेटर या एक सीजिंग का वो पंचनामा आप अपने जो पुलिस स्टेशन के जो कोर्ट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं वो उसमें कोर्ट वहां पर ठप्पा लगा देती है। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर प्रोसेस नहीं है, जो पुलिस की तरफ से आपको सिर्फ अपने ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट को बताना है कि आपने जानवर सीज कर लिया है, वो एक ठप्पा दे देगी और यही प्रोसीजर है। उसके बाद ज्यादा प्रोसीजर कोर्ट और पशु संवर्धन कार्यालय का होता है, पुलिस का रोल मेनली इतना ही होता है उसके अंदर, अनलेस आपको से रिपोर्ट देनी पड़े कोर्ट को बाद में। ये सेक्शन 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 38 के अंडर 17 रूल्स अभी तक गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ये रूल सर्कस के लिए हैं, जो कुत्ते के पिल्लू बेचते हैं, या फिर जो ये पेट शॉप बनाते हैं, या फिर एक ये सर्कस चलाते हैं, जो ये मंडियां लगती हैं, ये उनके बारे में रूल है। तो वो रूल मैं आपको ब्रीफ में बाद में बताऊंगी। इस रूल का कोई भी उल्लंघन आपको कोर्ट में 3 महीने तक की सजा उसकी है। ये हाउसिंग सोसाइटी सर्कुलर्स आपको मैं बता देती हूँ, ये कंप्लेंट कहीं भी थोड़ी सी भी हाउसिंग सोसाइटी होगी वहां पर जरूर आएगी। हाउसिंग सोसाइटी में ये मैं 5 मिनट लेना चाहती हूँ, ये इसके पीसी एक्ट में नहीं है, ये जीआरस हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे हैं। पहला तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, दूसरा हमने पुणे म्यूनिसिपल के जो डेप्टी रजिस्ट्रार हैं ये सोसाइटीज के उनका है, और ये तीसरा एक होम डिपार्टमेंट का लेटर है महाराष्ट्र पुलिस के लिए। ये मेरा ही पीआईएल था महाराष्ट्र पुलिस वर्सेस मी मुंबई हाईकोर्ट में, तो उसका ऑर्डर है कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी एनिमल वेलफेयर लॉज हैं, पीसी एक्ट है या जो भी सर्कुलर्स हैं वो मानने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये केसेस करने हैं। तो ये लेटर अटैच हुई है, सॉफ्ट कॉपी में भी है। वो इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटी, अभी ये सिर्फ जो मैं हाउसिंग सोसाइटी की बात करती हूँ तो ये दूसरे रेजिडेंशियल एरिया में भी लागू होता है, ये सिर्फ ये नहीं कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है और उसके बाहर जो इंडिविजुअल बंगलों में रह रहे हैं तो उन पे लागू नहीं होगा, चाहे तो वो ग्राम पंचायत में है, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड में है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ, इसके अंदर जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है
पुणे में जैसा उनका एबीसी रूल चल रहा है, जो कुत्ते उठा के लेके जाते हैं सड़क के और उनका ऑपरेशन करते हैं और वापस छोड़ते हैं। एक कुत्ते को अपनी जगह से उठाना, उसको 100 मीटर या 200 किलोमीटर कहीं पर भी छोड़ना, ये गुनाह है। इस किताब के अंदर हम लोगों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ड्राइवर्स पे भी उनको समझ पत्र के सैंपल अटैच किए हैं। तो आप ये गुनाह दाखिल करिए। हाउसिंग सोसाइटी में ये बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है, अंदर सड़क का कुत्ता है सोसाइटी के अंदर, उसको सोसाइटी बाहर नहीं निकाल सकती। अगर अंदर कोई खाना खिला रहा है, वो खाना खिलाने का 51G 19A और 21A आर्टिकल में हक दिया है कि आप किसी भी सड़क के पक्षी को या जानवर को कोई भी इंडिविजुअल खाना खिला सकता है। अगर कोई उसे परेशान करे तो उसके ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन या हैरेसमेंट का 504, 506 या 507 के आप आईपीसी के अंडर नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर करिए। और जो पेट एनिमल रहते हैं कि वो कुत्ता भौंक रहा है और बहुत न्यूसेंस हो रही है, उसका महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप कंप्लेंट सिर्फ उसकी जाती है। उसमें भी जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास वो एनजीओ जिसके पास एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन है और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, वो जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कंप्लेंट हमारे, मुझे पिछले 10-12 साल से कम रोज 4-5 आती है, मिनिमम है महीने में 50-100 ऐसे आते ही हैं। पुणे में ये सड़क के डॉग को कोई मार नहीं सकता, कोई उनको निकाल नहीं सकता। और जब भी आपको कंप्लेंट आए सड़क के डॉग को मारा है, ऐसा कुछ है, उसमें आप कॉर्पोरेशन को इन्वॉल्व मत करिए। कॉर्पोरेशन का सिर्फ इतना काम है, वो सड़क के कुत्ते को उठाएंगे, उसका नसबंदी का ऑपरेशन करेंगे, 5 दिन के बाद उसको उसी जगह पे छोड़ेंगे, 20 मीटर आगे ना 20 मीटर पीछे। उनका सिर्फ इतना ही काम है। और सोसाइटी में जो बार्किंग के कंप्लेंट है, या कुत्ता परेशान कर रहा है, या सोसाइटी के अंदर पॉटी कर रहा है, या वो कर रहा है, ये कंप्लेंट्स आप मत लीजिए। और एक बात आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का जो मॉडल बाईलॉज है, उसके अंडर हाउसिंग सोसाइटी में चेयरमैन और सेक्रेटरी को 0 पावर्स है। वो लोग अपने आप को किसी उसे समझते हैं कि बहुत पावर है कि हम चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं, ऐसे कुछ पावर्स नहीं है। इनके लॉस पहले बने हुए हैं, वो खुद से ही मीटिंग करके लॉ बनाते हैं, वो बिल्कुल भी उनको इसका हक नहीं दिया गया है। तो आप उसके अंदर सेक्शन 188 आईपीसी का गुना दाखिल कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जीआर है और सर्कुलर है, वो उनके उल्लंघन के लिए अगर वो ऐसा करते हैं। ये कुछ कुछ लेटर्स हैं और कुछ जीआरस हैं जो आपको किताब में मिलेंगी। जब भी आप हाउसिंग सोसाइटी के केसेस करें या फिर कुछ रेजिडेंशियल एरिया के जहाँ पर घर बने हुए हैं कुछ इशू है, तो आप ये इनको रेफर करिए। ये 7 या 8 कम से कम है वो है। थोड़ा 5 मिनट और लेती हूँ। ये जो आदेश है ये आपको किताब में आप देखिए, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी इसमें, आई थिंक थोड़ा टाइम भी हो रहा है। अगर आपके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें टाइप कर सकते हो। ये काफी लेटर्स हैं इसके अंदर। इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। कोविड के टाइम काफी मतलब प्रॉब्लम भी हुआ था पुणे में और दूसरे शहरों में कि जैसा आप कुत्ते को बाहर नहीं ले जा सकते, घुमा नहीं सकते, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की बात है, तो या फिर आप उसके अंदर जैसा एनजीओ की गाड़ी नहीं जा सकती, आप सड़क में कोई जख्मी कुत्ता है उसकी गाड़ी उठाने नहीं देंगे, और कुछ ऐसे भी जगह पे रोका गया कि आप जानवर को लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास, वेटनरी डॉक्टर के पास, हालांकि वो एसेंशियल सर्विसेज में था, तो वो भी रोका गया। तो इसमें जब भी पुलिस कुछ एक पेंडेमिक के टाइम या कुछ इमरजेंसी के टाइम कुछ रोल बनाती है, कुछ रूल बनाती है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अपने जो पशु संवर्धन कार्यालय है डिस्ट्रिक्ट का, आप उन्हें एक बार फोन करिए। वैसे तो ये किताब में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनसे एक बार कंसल्ट करिए कि क्या ऐसा रूल हम बना सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये प्रिवेंशन टू क्रूल्टी टू एक्ट का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो फिर उसके लिए मैंने हाईकोर्ट में ही एक याचिका दाखिल करी थी, तो उनका ऐसा ऑर्डर आया था जो पूरी स्टेट पुलिस को भेजा गया था और डीजीपी सर के ऑफिस में भी। इस किताब की आप सॉफ्ट कॉपी जरूर देखिए। मेरे रिट पिटीशंस हैं, मेरे जो
सैंपल एफआईआर हैं, अक्रेंस रिपोर्ट्स हैं, ये दिए गए हैं। लास्ट में आपको थोड़ा सा रूल्स के बारे में बता देती हूँ, एक मिनट के। हाँ, ये रूल्स आपको थोड़ा ब्रीफ में बता के लास्ट में आपको मैं एक सीजिंग प्रॉपर्टी, जो आप कुत्ता, गाय, बैल, कोई भी जानवर सीज करेंगे उसका प्रोसीजर, वो मैं विस्तार से बताना चाहूंगी। इसके अंदर ये रूल्स हैं, देखिए ये 17 रूल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। ये प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू ड्रॉट एंड पैक एनिमल, ये जो पहले जो जानवर, ये मतलब इतना इसका उल्लंघन देखा है मैंने, मुझे ऐसा लगता है जानवर अभी एक कमोडिटी है, एक चीज बन गया है। उसको इतना अत्याचार, चाहे वो स्लॉटर हाउस में, और हर गली नुक्कड़ पे उसके उल्लंघन दिखेंगे। तो पुणे में काफी स्ट्रीमलाइन किया है मैंने, और ये जो किताब अभी वारधा या दूसरी जगह पे गई है, आई एम श्योर कि मैं बहुत एक्चुअली आभारी हूँ पुलिस की, ये मैं पुणे पुलिस की मैं इनको थैंक्स देना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी किसी भी चौकी में या स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट दिया है जानवर के रिलेटेड, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है कि हाँ ये गलत है, इसका उल्लंघन है। तो एक मैं 100% बोलूंगी, 99% भी नहीं, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, और हमारे संस्था के लोगों को या जो इंडिविजुअल भी हैं। तो ड्रॉट एंड पैक एनिमल वो होते हैं, अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि इनके क्या क्या रूल है, आप बाद में विस्तार में पढ़ सकते हो। इसके अंदर ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स में जो एनिमल एक झुंड में रहते हैं और जो आप जिनको चला के ले जा सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एनिमल आएंगे, घोड़े या फिर बैल, घोड़े भी आते हैं उसके अंदर, बैल भी आता है, और जो भैंस होती है वो भी आता है। तो ये उसके ये लॉज हैं उसकी। कभी ये जो 17 रूल हैं ये आप पढ़ेंगे, ये 17 के 17 रूल का एक ही प्रोसीजर है, जो केस एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस रूल में है। और जो मैंने आपको पीसी एक्ट का गुना दाखिल बताया था, 3, 11, 12 और 38, वो इनके अंदर कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं वो आप देखिए। लेकिन 3, 11, 12, 38 और ये रूल, इनका एक प्रोसीजर केयर एंड मेंटेनेंस पर प्रॉपर्टी रूल में है। तो ये ड्रॉट एंड पैक का है कि जो घोड़े लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं उनका जो, देखिए काफी बार जैसे मुंबई में ये विक्टोरिया है वो हॉर्सेस हैं, या माथेरान में है, या जो बगियां हैं, या फिर जो रूरल एरिया में जो एक गाय का, ये भैंस के या बुलेट के जो गाड़ियां चलती हैं, उसका वजन कितना होना चाहिए, ये आपको पेज नंबर 179 में ड्रॉट एंड पैक रूल में मिलेगा। अभी उसका इतने पावर्स हैं पुलिस को कि आप पहले उसके ड्राइवर को बोलिए कि ये वजन ज्यादा लग रहा है, उसमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, एक जो गाड़ी हांक रहा है वो, और 3 और, अगर उसमें एक बच्चा है तो उसको एक तीसरा आदमी गिना जाएगा। ये नहीं कि 3 एडल्ट बैठे हैं तो 2 बच्चे हैं, ये इतना ज्यादा सख्त रूल है। और ये हमने पूना के रूरल एरिया में काफी इस पे काम किया है कि कोई बूढ़ा बैल है, वो उसे चला भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसको इतना जोत के इतना वजन रखा है, तो आप पहले उसको बोलिए कि सामान उतारे, तो अगर वो इसमें सहमत नहीं हो रहा है, कुछ आना का नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर उसको जो कांटा रहता है, वजन कांटा, वो पुलिस वहां पर व्हीकल उसको बोल सकती है कि वहां साथ चलो और उसका वजन करो, अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो और उसकी जो ये गाड़ी है उसका खटला भरिए। तो फिर से वही प्रोसीजर होगा कि वापस ना तो जानवर जाएगा और ना ही उसकी बैलगाड़ी जाएगी उसके पास। इसका दूसरा रूल है 17 है, मैं जल्दी जल्दी इसको करती हूँ। ये लाइसेंसिंग ऑफ फेरियर्स, फेरियर्स क्या होता है, जो नालबंदी करते हैं घोड़े के पांव की, तो उसके लिए एक उसके लिए लाइसेंस लगता है। अगर आपको घोड़े का नाल या फिर इसके अंदर आई थिंक और भी जानवर आते हैं, जो भैंसे वगैरह है जिनके हूफ रहते हैं, तो उसका जो नाल बांधना है उसके लिए आप उसके लिए लाइसेंस लगता है। ये जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट रूल है उनके मैं आगे चलती हूँ। अभी ये सर्कस में है, सर्कस में वाइल्ड एनिमल बैन हो गए हैं, सर्कस के अगेंस्ट आप इसका कर सकते हैं।
और एक जो मेन इसके अंदर प्रॉब्लम, दो मैं रूल डिस्कस करूंगी, एक स्लॉटर हाउस का, सिर्फ ये जो गली नुक्कड़ पे पूरे बकरे और चिकन कट रहे हैं ये सब इलीगल हैं, तो उनको एक लाइसेंस लगता है, वो उनको काटने का लाइसेंस है ही नहीं, आपको गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस से खरीदना है, मीट लेकर आना है और वो बेचना है। मैंने इस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया है ज्यादा, लेकिन अभी इसी साल, पिछले साल ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि उसको आप FSSAI जो फूड कॉर्पोरेशन और जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ उसमें काम करी है, वो मैं PFA जो संस्था है वो काम शुरू करेगा उसके ऊपर। तो उसके बाद जो एनिमल जो मंडियां लगती हैं जहाँ पे जानवर बिकते हैं बड़ा छोटा जो भी, वो जो मंडी है पूरी की पूरी, वो कलेक्टर के अंदर एक टीम रहती है, उसके साथ उसको रजिस्टर होना पड़ता है। ये एक लास्ट टॉपिक में लेती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है जानवर लेने के बाद। तो इतना आपको पता है कि जब जानवर जीवित है तो उसका सीजर पंचनामा होगा अगर आपने सीज किया, अगर वो जानवर मरा हुआ है उसके अंदर सस्पेक्टेड किलिंग है, अगर एविडेंस है तो 428 429 का कॉग्निजेबल दाखिल करिए और जानवर को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। एक बार आपने जानवर ले लिया उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम ये है, नंबर वन सीजर पंचनामा, नंबर टू उसका वेटनरी एग्जामिनेशन। वेटनरी एग्जामिनेशन सिर्फ गवर्नमेंट के वेटरियन डॉक्टर से होगा, प्राइवेट वेट का कोई भी जो है वो माना नहीं जाता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री, जो बड़े शहर है वहां पे पशु संवर्धन के थोड़े रूरल एरिया में भी मिलेंगे, एक नहीं होता, जो छोटे शहर है वहां पर एक ही होगा, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के उसको कॉन्टेक्ट करिए। अभी इसमें ये है कि ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जानवर वापिस नहीं होगा, उसके साथ कोई और चीजें जो सीज हुई है वो भी नहीं होगा। एक कुछ केस हुआ था पुणे में कि हाउसिंग सोसाइटी में जानवर थे, तो ये भी थोड़ा सा बोला गया कि ये तो रेजिडेंशियल उसके अंदर आता है तो हम जानवर सीज नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। अगर टाडा के अंदर किसी ने AK-47 रखी है अपने बिल्डिंग के नीचे तो वो तो सीज होगी ना, तो उसमें जैसा टाडा है, जैसे पीटा है जिसके अंदर सीजिंग होती है, वैसे ही PC एक्ट के अंदर भी सीजिंग होती है, और ये हाउसिंग सोसाइटी का मैटर नहीं है, क्योंकि जो सीजिंग है ये सिर्फ पुलिस को दी गई है, आप ही उसको सीज करेंगे, आप ही उसका कोई समझ पत्र देंगे, आप ही उसका NC का रिपोर्ट फाइलिंग करेंगे, ये हाउसिंग सोसाइटी के अंडर नहीं आता, कॉर्पोरेशन के अंडर तो बिल्कुल भी नहीं आता। आप अपने कॉर्पोरेशन पे इसको इन्वॉल्व मत करिए, ये कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, ये सिर्फ पुलिस का काम है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सीढ़ियों के नीचे कुत्ते रखना, जंगले बनाना, अपनी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोग गार्डन के अंदर कोई कबूतर पाल लेते हैं, ये अनिवार्य नहीं, ये परमिटेड नहीं है। अगर आपको पेट रखना है तो आप उसको अपने घर के अंदर रखेंगे, चाहे वो कोई भी जानवर है, उसको आप अपने घर के अंदर रखेंगे सोसाइटी की किसी भी एरिया में, या कोई रेजिडेंशियल उसमें एरिया में घर होता है छोटा, घर के बाहर एक केज पड़ा होता है, वो भी अलाउड नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी की, ग्राम पंचायत की, किसी भी रोड पे कुछ नहीं होगा। अभी जो मैंने सीजर पंचनामा बताया, उसके बाद अगर एनिमल जीवित है तो जिंदा डॉग का या फिर और किसी एनिमल का जो आपने सीज किया है उसकी वेटनरी एग्जामिनेशन होगा। जो गवर्नमेंट के वेटनरी हैं वो आपको एक उसका हेल्थ का सर्टिफिकेट दे देंगे, और उसके बाद आपको एक वो दोनों अटैच करके सीजर पंचनामा और हेल्थ इंस्पेक्शन अगले दिन कोर्ट में सिर्फ उस पर ठप्पा लेना है कि ये एनिमल सीज हुए हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन, आपकी हद के अंदर जो पुलिस स्टेशन का है। अभी ये जानवर कहाँ जाएंगे, पुलिस का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। थोड़ा बताती हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे NGOs या कुछ ऐसे इंडिविजुअल, किसी को आप जानवर को ले जाने मत दीजिए कि मैं रखता हूं, मैं अभी संभालता हूं, वैसा नहीं। आप अपने पशु संवर्धन कार्यालय को कॉन्टेक्ट करिए, रजिस्टर्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पिंजरा पोल, या फिर SPCA, या फिर इन्फर्मरी, या फिर गौशाला। अगर वो बड़ा जानवर है तो पशु संवर्धन कार्यालय उनको गौशाला में भेजेगा, या फिर उनके साथ जो रजिस्टर्ड पशु संवर्धन कार्यालय जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो रजिस्टर्ड एनिमल वेलफेयर, वो बताएंगे कि जानवर कहाँ रखना है, या फिर आप जो NGO का एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन देखिए, अगर उसके पास AWB का रजिस्ट्रेशन है तो उनको आप उनके दे सकते हैं, लेकिन उनसे एडमिशन फॉर्म, उनके जो संस्था का एडमिशन फॉर्म है आप वो लेंगे कि जानवर वहां पे एडमिट हुआ है। और
इसका जो अभी इसका पैसा कौन देगा जो जानवर सीज किया है, अगर सीजर पंचनामा के बाद एनसी हुआ है, ठीक है, तो उसका जो ओनर है, जो जिसके ताबत में वो जानवर था, जिस सीजिंग के टाइम से, सीजिंग से उसका जो खोजो भी खर्चा है, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एसपीसीए, वो सब उसके मालिक को देना है जितना भी खर्चा है। अगर वो उसके बाद एक, अगर वो मालिक ये बोलता है कि मेरे को ये जानवर नहीं चाहिए, आप लेके जाओ, उसको कहते हैं वॉलंटरली रिलिंक्विशमेंट, जो खुद की अपेक्षा से दे रहा है कि लिख कर देता है कि मुझे ये जानवर नहीं चाहिए, आप लेकर जाओ, तो उसके बाद उसका जो खर्चा है वो डिस्ट्रिक्ट एसपीसीए देगा, उसमें वो खर्चा नहीं देता। अगर वो कोर्ट में ले जाना चाहता है उस मैटर को, तो कोर्ट वो उसका कुत्ता है घोड़ा है उसके एक पर डे का वो कर देगी, और एक बॉन्ड साइन होता है उसके ओनर के साथ कि आप कितना खर्चा दीजिए। यूजली जब वो देखते हैं कि जानवर उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वर्डिक्ट ही नहीं आता, जिसमें एक साल लगे, छह महीने लगे, दो साल लगे, और तब तक का खर्चा उसको देना है, और ऊपर से गुनाह दाखिल हुआ है जिसमें फाइन है और तीन तीन महीने की सजा मैक्सिमम वो है। यूजली ऐसा देखा गया है मेरे पूरे इतने करियर में, कभी एक ही ओनर गया था कोर्ट में, उससे कस्टडी की एप्लीकेशन जो 451 या 457 के अंदर दी थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आए। तो उसके बाद जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एसपीसीए में जो जानवर है, अच्छा, कोई अगर खोया हुआ जानवर मिलता है रोड पे, उसके लिए भी कॉर्पोरेशन को नहीं बोलेंगे आप। अबेंडेंड, कोई अपने रस्ते में कुत्ते भी छोड़ देते हैं, बिल्लियां छोड़ देते हैं जो पालतू होते हैं और वो रस्ते में सर्वाइव नहीं कर सकते, गायें भी छोड़ देते हैं, स्पेशली डेरीज में जब दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ दिया, तो उसको आप, वो भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एसपीसीए में जाएगा, आप उसका पंचनामा करिए। अगर उसका ओनर आता है बाद में, यू नो कि ये घर से भाग गया, तो उसकी तहकीकात करिए कि वो सच में घर से भागा था कि उसे खुद से उसको छोड़ा है। तो एनिमल अगर कोई अपना रोड पे छोड़ता है, उसमें डेंजर लोगों को भी है और उसमें डेंजर जानवर को भी है, तो उसका आप उसको गुनाह दाखिल कर सकते हो सेक्शन 11 के अंडर। अभी अगर ओनर खुद लिख के दे देता है कि मेरी गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट में वो केस नहीं जाएगा, वो उसका जो गुनाह दाखिल हुआ है उस पे वर्डिक्ट तक उसको करना पड़ेगा। इसमें एडॉप्शन कब हो सकती है, इसमें कुछ जानवर है जो अगर उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है या बहुत बीमार है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर या फिर कोर्ट के ऑर्डर से या एसपी के या सीपी सर के वो उसको यूथनीशिया दे सकते हैं, और अगर वो एडॉप्शन के लायक है तो उसे अडॉप्ट करिए, अडॉप्ट करवाते हैं एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं। एक थोड़ा लास्ट में ये बताना चाहूंगी, बहुत सारे कंप्लेंट्स, ये जो कुत्ते के बच्चे पैदा करके पिल्लू बेचते हैं वो बैंड है गवर्नमेंट से अभी, तो उसके भी हमने काफी केसेस किए हैं, पिछले महीने में ही 4 किए हैं, सीजर पंचनामा हुआ है। तो ये डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग, कुत्ते के पिल्लू बेचना और कुत्ते का मेटिंग करवाना, ये घर की बिचिस पे भी लागू होता है। अगर किसी के घर के, वो बोलेंगे हम तो घर के लोग हैं, हम ब्रीडर नहीं है, अगर आप अपने घर की कुत्ती का, कोई डॉबरमैन है, लैब्राडोर है, जो मैं ब्रीड डॉग की बात कर रही हूँ, मैं जो अपनी इंडियन ब्रीड है उसके बारे में नहीं कर रही, उसमें भी कुछ हाउंड्स हैं जिसके आप नहीं बेच सकते, तो अगर वो घर के भी हैं तो भी उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है, सीजिंग होती है और सीजर पंचनामा होता है और वो दाखिल होता है। इसी के साथ मैं ये खत्म करती हूँ। 320 पेज का बुक और इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस वो एक घंटे में नहीं कर पाई, लेकिन आपको इसमें सीपीआर ऑफिस बुक शेयर करेगा, मेरा नंबर शेयर करेगा, आपको महाराष्ट्र में अगर कुछ भी हेल्प या किसी उसकी जरूरत है आप लिखिए, और ये किताब हम फ्री चाहिए पुणे इसकी महाराष्ट्र के लिए। कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है मैम, सोसाइटी में कबूतर को खाना खिलाते हैं, कबूतर विंडो में बैठ के गंदगी करते हैं, ये कंप्लेंट आती है? जी, ये कंप्लेंट आती है, इसमें कोई बैन नहीं है, आप कबूतर को खाना खिला सकते हो, उसमें अगर आपको सोसाइटी मना करती है या ये गंदा कर रहा है, ये है, उसकी कोई भी जिम्मेवारी
खाना खिलाने वाले की नहीं है। देखिए ये सारा को एग्जिस्टेंस का है, आप दुनिया में रह रहे हो, उसमें जानवर का भी उतना हक है जितना ह्यूमन बींग का है। तो ये गंदगी, ये न्यूसेंस, ये बार्किंग, ये इसके कंप्लेंट्स नहीं लिए जाएंगे। ये लॉ के अंडर परमिसेबल है कि आप कबूतर को खाना खिला सकते हो और उनको कोई हार्म भी नहीं करेगा। अगर उनको कोई हार्म करता है तो उसको पुलिस को गुना दाखिल करना है। और ये जो रेस्पिरेटरी डिसीज का उसका ये जो काफी बातें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है कि बहुत सारे कबूतर एक छोटे एरिया में है, उनका जो संडास है उससे थोड़ी सी हवा निकलती है, उसमें गया तो अस्थमा होगा। ये हाउसिंग सोसाइटी के बहुत लोग ऐसा झूठ भी बोलते हैं कि हमें अस्थमा हो रहा है, हमें सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत रेयर है, वो इतनी कॉमन चीज नहीं है जिसके अंदर ये होता है। प्लीज टेल अस अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट डॉग्स एंड अदर एनिमल लाइसेंस इन सिटीज। ये जो अगर आप अपने कुत्ते कोई प्राइवेट जिनका कुत्ता है, मुझे नहीं पता, आप ब्रीडिंग के लिए पूछ रहे हो, क्या बच्चा बेचना चाहते हो? सॉरी क्वेश्चन ही आया था एनिमल लाइसेंस इन सिटीज। हाँ, ये जो लाइसेंस है ये डिफरेंट जानवरों का डिफरेंट है, आप कुत्ते के लिए पूछ रहे हैं? यस, डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। हाँ, मैं डॉग्स का बता देती हूँ। ये डॉग्स का वार्ड ऑफिसेस में जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनमें एक फॉर्म रहता है, आप अपना पालतू कुत्ता रजिस्टर करवाइए। लेकिन जो सिर्फ ये कुत्ते के लिए है, बाकी आपकी गाय है या और जो जानवर है, अगर आपके पास, अगर आप दूध बेच रहे हैं तो उनके लाइसेंसेस आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेंगे। अगर आप मंडी में कोई जानवर बेच रहे हैं उसके लाइसेंसेस कलेक्टर के अंदर जो कमेटी है उसने, तो ये बुक के अंदर ये सारा दिया है कि कौन से जानवर का लाइसेंस या कौन से बिजनेस का लाइसेंस, हर जानवर के लाइसेंस है भी नहीं है, कुछ कुछ जो बिजनेस के लिए यूज होते हैं उसके बिजनेस के लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, जो बिजनेस के लिए नहीं यूज करते उसके लिए सिर्फ कुत्ते का ही है, बिल्ली का नहीं है, पालतू बिल्ली का या कबूतर। बहुत सारे लोगों ने बुक का डिमांड किया है मैम, वो भी मराठी में है। मैं सर्वांना सांगू इच्छिते की सही पुस्तक इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही ही लँग्वेज मध्ये अवेलेबल आहे। आणि मॅडमचा मी नंबर पण आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये मी टाकलेला आहे, आपल्या वेबिनार ग्रुप मध्ये सुद्धा मी बुकची सॉफ्ट कॉपी दिलेली आहे। हार्ड कॉपी कोणाला पाहिजे असेल तर प्लीज मॅडम सोबत कॉन्टॅक्ट केलं तरी चालेल, सीपीआर ला कॉन्टॅक्ट केलं तरी चालेल। आप मुझे जो मेरा नंबर है 8007889647 उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आप अपना नाम लिखिए, रैंक लिखिए, पुलिस स्टेशन लिखिए, चौकी लिखिए और एड्रेस लिखिए। तो कितनी किताबें चाहिए वो रफली एक 7 से 14 दिन के अंदर आपको पहुंच जाएगी फ्री कॉपी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सीपीआर पूना और एमपीए नाशिक के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपका एनिमल एक्ट के बारे में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया सच में वो बहुत हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। वर्किंग करते वक्त हम लोगों को जो भी डिफिकल्टीज आएंगी सच में आप, हम सब आपके से कॉन्टेक्ट करेंगे। वंस अगेन सीपीआर पुणे और एमपीए नाशिक की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। तसेच आजच्या वेबिनार मध्ये हजर असलेले सर्व अधिकारी आणि अंमलदार यांचे सुद्धा मी धन्यवाद मानते आणि वरिष्ठांच्या आदेशाने हा वेबिनार इथे संपलेला आहे असे मी जाहीर करते। थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच, थँक्यू।